हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो आज हमारे पास कुछ मटेरियल है जिससे हम बनाने वाले हैं टू डॉल्स के लिए बेड। और वो बेड हम कैसे बनाएंगे, हमारे पास हैं कलरफुल पॉप्सिकल स्टिक्स और ये नॉर्मल वाली हैं। यहाँ पे फेवी बोंड है, फेविकोल है, सीजर है, ये हैं बैम्बू स्टिक्स। तो देखते हैं कि बंक बेड हम कैसे बनाते हैं। आप आज के व्लॉग को एंड तक जरूर देखना, मिस मत करना। तो चलिए बेड बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत प्यारे प्यारे कलर पैक के अंदर हमें मिले हैं स्टिक्स के, लेकिन हम चूज करेंगे एनी टू कलर्स। तो येलो और रेड कॉम्बिनेशन मुझे लगता है बेस्ट रहेगा। तो ये टू स्टिक्स हम ले लेते हैं, इनकी हेल्प से हम बनाएंगे बेड की बाउंड्री। और रेड कलर को हम ऐसे यूज कर लेते हैं, और येलो स्टिक्स जो हैं इनकी लेंथ हमें थोड़ी छोटी करनी पड़ेगी सीजर की हेल्प से। तो चलिए कट कर देते हैं इसको। ये देखिए दोनों की लेंथ छोटी बड़ी हो गई है। अब हम फेवी बॉन्ड की हेल्प से बाउंड्री रेडी कर लेते हैं। टू सेम साइज के बेड का मॉडल हमने रेडी कर लिया है, और इसको सपोर्ट देने के लिए हम यूज करेंगे 4 ग्रीन कलर की स्टिक्स, जिसको हम कुछ इस तरीके से फिक्स करेंगे। एक बेड हमारा यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा और दूसरा बेड हमारा यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, तब ये लगेगा बंक बेड। तो चलिए जल्दी से इनको पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ हम यूज कर रहे हैं पहली ग्रीन स्टिक, और थोड़ा सा पोर्शन हमें यहाँ से छोड़ना है, थोड़ा सा यहाँ से छोड़ना है। बंक बेड का मॉडल भी रेडी हो चुका है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, कलरफुल बेड डॉल्स के लिए। स्मायरा को भी बहुत अच्छा लगेगा। अब हम रेडी करेंगे इनका स्लीपिंग एरिया, और उसके लिए यूज करेंगे ये वाली स्टिक्स। और इन स्टिक्स को हमें ऊपर की तरफ से पेस्ट नहीं करना है, नीचे की तरफ से पेस्ट करना है। कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। तो मैं इन स्टिक्स को ऊपर से ही लगा दूंगी, और ऊपर से मैं क्यों लगाऊंगी वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगी। दोनों बेड्स पे मैंने आइसक्रीम स्टिक्स पेस्ट कर दी हैं, जैसे मैंने आपको बोला था कि ऊपर से पेस्ट नहीं करनी है, नीचे की तरफ से करनी है, लेकिन मैंने तो ऊपर की तरफ पेस्ट कर दी। कोई बात नहीं, अब हम क्या करेंगे, इस बेड को कर देंगे उल्टा। ये देखिए अभी लग रहा है ना, ये बंक बेड। और डॉल को ऊपर जाने के लिए स्टेयर्स भी चाहिए, वो जंप करके तो जा नहीं सकती है, हमें स्टेयर्स बनानी है। यहाँ पे बाउंड्री बनानी है ताकि डॉल सोते सोते गिर ना जाए। बेडशीट बिछानी है, पिल्लो लगाना है। तो बहुत सा काम अभी पेंडिंग है, और बनाने के बाद हमें पता चलेगा कि डॉल के साइज का बेड बना भी है या नहीं, तो वो स्मायरा ही आकर चेक करेगी। उससे पहले हम जल्दी से बना लेते हैं स्टेयर्स। स्टेयर्स बनाने के लिए हम फिर से ग्रीन कलर की स्टिक यूज करेंगे, जिसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे और यहाँ पे स्टेप्स बनाएंगे। और स्टेप्स बनाने के लिए हम यूज करेंगे ये बैम्बू स्टिक्स। इनको कट करना पड़ेगा क्योंकि ये साइज में बहुत लंबी हैं, तो इनके छोटे छोटे पीसेस कट कर लेते हैं, उसके बाद स्टेप्स पेस्ट करेंगे। स्टेयर्स हमारी रेडी हो चुकी हैं, देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं। छोटे छोटे स्टेप्स मैंने बनाए हैं बैम्बू स्टिक को कट करके छोटे छोटे पीसेस में। और अब हमें बनानी है बाउंड्री, उसके लिए मैंने और पीसेस कट कर लिए हैं बैम्बू स्टिक के, सब सेम साइज के हैं, और टोटल 6 हैं, जिनको हम इधर 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 और इधर लगाने वाले हैं। और उनके बीच में हमें छोटे छोटे पार्ट्स और लगाने हैं, जो मैंने आइसक्रीम स्टिक के कट किए हैं, क्योंकि इतने छोटे पीसेस बैम्बू स्टिक के कट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इनको भी मैंने बहुत मुश्किल से कट किया है, तो सोचा कि यहाँ पे हम आइसक्रीम स्टिक का यूज़ कर लेते हैं। तो चलिए इनको लगाते हैं। बाउंड्री हमने लगा दी है, ये देखिए दोनों बेड्स पे लगाई है, कितनी प्यारी लग रही है। इस तरफ भी हमने लगाई है। अभी बारी आती है बेडशीट बिछाने की, और बेडशीट हम यूज करेंगे यूनिकॉर्न थीम की। मेरे सामने पेपर है और मैंने बेडशीट कट कर ली है, जितना साइज हमें बेडशीट का चाहिए बेड के अकॉर्डिंग मैंने कट कर लिया है। तो चलिए इनको बिछाते हैं अंदर, और इसके बाद हमें पिल्लो भी बनाना है। ये हम यूज करेंगे ऊपर वाले बेड पर। ये देखिए एकदम परफेक्ट आई है बेड पे। अब देखिए कितना सुंदर हमारा बेड लग रहा है बेडशीट बिछाने के बाद। और पिल्लो हम बनाएंगे रेड कलर के पेपर से। मेरे पास 2 पेपर्स हैं,
इसको हम इस तरीके से पेस्ट करेंगे और पिल्लो बनाएंगे और फिर वेट करेंगे स्मायरा के स्कूल से आने का। और स्मायरा चेक करेगी कि परफेक्ट बेड उसकी डॉल्स के लिए बना है या नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। अच्छा नया व्लॉग है, अच्छा अच्छा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। आज का हमारा व्लॉग क्या है आप बताओ, मेरे सामने बहुत कुछ पड़ा है तो इससे अब क्या करने वाले आप बताओ यूट्यूब फैमिली को। मुझे भी नहीं पता यूट्यूब फैमिली, आप बताओ हम क्या करने वाले हैं। आपको तो पता है, आपने तो देखा है। हाँ पता है, मतलब आपका व्लॉग पहले से ही शुरू है। पहले से ही शुरू है, लग तो ऐसे ही रहा है कुछ। फिर आपने मुझे क्यों बोला व्लॉग को स्टार्ट करो? ऐसे ही बोला, मामा ने प्रैंक किया आपके साथ और प्रैंक में फंस गई स्मायरा। आपको लगता है कि यहाँ पे टेबल पे कितना कुछ पड़ा है, मेस्ड अप है पूरा टेबल, तो मम्मा ने ऑब्वियसली कुछ किया होगा ना। यस। इसको समझ में नहीं आया, मैंने बोला स्कूल से आके आप चेंज कर लो, हम एक ब्लॉग शूट कर रहे हैं, और ये रेडी होके आके बैठ गई है। इसने बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाया। मुझे लगा हम कोई ऐसे ही क्राफ्ट करने वाले हैं। तो करने वाले तो यहाँ पे नीट एंड क्लीन टेबल होता ना, मटेरियल रखा होता एकदम से अच्छे से। तो मुझे लगा आपने बैम्बू का पैकेट खोल दिया होगा क्योंकि यहाँ पर बैम्बू लिखा हुआ है। हाँ तो खोल तो दिया ही ना, देखो अभी तो मस्तब है। हाँ तो मैंने आपके लिए कुछ बनाया है। क्या? जल्दी दो। क्यों जल्दी दूँ? वेट नहीं कर रही है। खाने के लिए कुछ नहीं बनाया, पेपर से कुछ खाने के लिए बनता है? नहीं नहीं। हाँ अब मुझे जल्दी दो। ठीक है, मैंने स्मायरा को स्कूल से पिक करने से पहले वो प्रोडक्ट छुपा कर रख दिया था, क्योंकि जब हम स्कूल से इसको पिक करके घर आते हैं तो कैमरा हमारे हाथ में नहीं होता है। अगर वो प्रोडक्ट यहीं पे हो तो स्मायरा आते ही देख लेगी, तो फिर आप इसके रिएक्शंस कैसे देख पाओगे, इसीलिए मैंने उसको रूम में रख दिया। कौन सा रूम? किसी में भी हो, अभी बाहर आ जाएगा ना। चलो लेकर आओ, तब तक आप यूट्यूब फैमिली से बात करो, मैं लेकर आती हूँ मैंने आपके लिए क्या बनाया। ओके, तो आज मुझे बहुत मजा आया था स्कूल में, हमने बहुत सारी फन एक्टिविटीज करी स्कूल में। आ गई मम्मा। मम्मा आ गई है। एनी गेस कि मैंने आपके लिए क्या बनाया होगा? स्मायरा के लिए तो वैसे भी वो है नहीं। स्मायरा के लिए तो है। आप आईज क्लोज कर लो एक बार, फिर देखते हैं स्मायरा को कैसा लगता है ये। अभी क्लोज ही रखना। ओके ओपन योर आईज। वाओ क्या है ये? बंकिंग बेड। बंकिंग बेड किसके लिए? पता नहीं। आपके लिए? मेरे लिए। हाँ मैं यहाँ पर कैसे सोऊंगी? कौन सोएगा इस पे? कौन सो सकता है? मम्मी पापा? नहीं 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 मम्मा, पहले तो मुझे ये यकीन नहीं हो रहा ये आपने बनाया। YouTube फैमिली से पूछ लो, YouTube फैमिली कमेंट्स में बताओ स्मायरा को कि ये किसने बनाया है। लेकिन जिसने भी बनाया हो बहुत अच्छा बनाया। बहुत अच्छा बनाया तो बताओ तो ये किसके लिए है? मेरी डॉल्स के लिए। हाँ क्योंकि डॉल्स के लिए एक ही बेड आया था ना, 5 डॉल्स थी आपके पास, तो फिर उनको सोने के लिए जगह नहीं मिलती थी, तो मैंने 2 डॉल्स का इंतजाम कर दिया आज। तो अभी हमें चेक करना है कि डॉल्स के लिए ये बेड का साइज हमने सही बनाया है या नहीं। ठीक है मैं लेकर आऊँ? 2 डॉल्स लेकर आ जाओ आप। मैंने जो पिल्लो बनाया था उसके ऊपर यूनिकॉर्न का स्टिकर लगा दिया है, तो हमारा पिल्लो भी जो है वो यूनिकॉर्न थीम का बन गया है। दूसरे पिल्लो पर भी लगाया है, दिखाती हूँ आपको, ये देखिए। मेरी डॉल बोल रही है। डॉल बोल रही है, तो अभी डॉल को देखो सुलाकर। तो ये सबसे छोटी है? नहीं ये बड़ी है, एक जैसी लग रही है मुझे। तो इसको हम नीचे सुलाते हैं। अरे ये तो सो गई आराम से, परफेक्ट साइज है ये तो। लेकिन शूज? वो कोई बात नहीं, शूज तो बाद में भी निकाल देंगे, तब भी सही है बेड। चलो अभी जा रही है ऊपर। यहाँ से इसको ऊपर भेजो। पहुंच गई अपने बेड पे ये भी। तुझे जंपिंग करने लगी, सो जा। तेरे लिए बेड बनाया हमने तेरे सोने के लिए, तो देखो फ्रेंड्स कितना परफेक्ट बेड बना है, एकदम सही साइज आया है। मुझे लग रहा था कि डॉल्स बड़ी होंगी और बेड हमारा छोटा रह जाएगा, लेकिन बहुत अच्छा बना है। तो बाकी कितनी डॉल्स के लिए बेड चाहिए? और 2 डॉल्स अभी भी बाकी है,
उनके लिए हम डिफरेंट टाइप का बेड बनाएंगे। वो इनके साथ नहीं सो सकती? सो तो सकती हैं, लेकिन फिर भी रिलैक्स नहीं हो पाएंगी ना। एक डॉल के लिए तो बेड फर्नीचर सेट में आया था, दो के लिए ये बन गया, अभी दो डॉल्स के लिए हम एक और बेड बनाएंगे, बहुत ही प्यारा बनाएंगे, उसके लिए हम व्लॉग शूट करेंगे जल्दी। तो आपको ये बंकिंग बेड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं फिर जल्दी एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।